आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता जो बच्चे और बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। आज हम बनाएंगे पोहे। पोहे बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, झटपट से बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ अन्नपूर्णा रसोई में। आइए देखते हैं गांव में हम पोहे किस तरीके से बनाते हैं। बिल्कुल नई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, इसके लिए मैंने 2 कप पोहा लिया है। पोहा मीडियम साइज का है। इस तरह से मैंने 2 कप पोहा ले लिया है। पोहा बिल्कुल साफ फ्रेश पोहा है और मीडियम साइज का पोहा है। पोहा भी 3 प्रकार का आता है, एक बहुत बारीक आता है, एक बहुत ज़्यादा मोटा आता है, और ये मीडियम वाला पोहा है जो हम इसकी जो बनाते हैं घर में नाश्ता में। और फ्रेंड, इसी तरह से साबूदाना भी आता है, एक बहुत ज़्यादा मोटा आता है, एक बहुत बारीक आता है, और मीडियम वाला ही साबूदाना अच्छा होता है हर रेसिपी में। इसी तरह से पोहा भी होता है। पोहा आप सब तरह से हर चीज़ में मीडियम साइज़ का काम में आ सकता है। और अब हमें इस पोहे को फुलाना नहीं है, सिर्फ धोना है, साफ़ करना है इसे। और एकदम से हम इसमें झट से पानी डालेंगे और तुरंत इसका पानी हम बाहर निकाल देंगे। इसे पानी में 1 मिनट भी छोड़ना नहीं है। इस तरह से पानी में धोया, सिर्फ साफ़ करके इसे मसल के 2 बार, और एकदम से इसका पानी इस तरह से चलनी में निकाल दिया। अच्छे से चलने में निकाल दिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रह जाएगा तो हमारा पोहा चिपक जाएगा एकदम, मतलब खिला खिला नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा अगर चिपक गया तो। और जो एक एक दाना अलग होता है, वही पोहा खाने में टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं इसे इसी बाउल में वापस कर देती हूँ और इसे एक साइड में हटा देती हूँ। चम्मच से हम इसे खोल देते हैं और अब हम इसमें 1 चम्मच स्वाद के अनुसार हम डालेंगे इसमें नमक, जितना हमें पोहे में डालना है उस हिसाब से। और 1 ही चम्मच डालूंगी इसमें मैं चीनी, और इसे अच्छे से मिक्स करके ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। अच्छे से मिक्स कर देना है। और फ्रेंड्स, वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जो आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसे देखिए, मैंने ढक के रख दिया, 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे 5 मिनट के बाद मैं एक बार से फिर चला देती हूँ, क्योंकि अगर पोहा चिपक जाएंगे तो हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए हम 5 मिनट के बाद फिर इसे एक बार चला दिया है और फिर से हम इसके ढक के रख देते हैं। और अब जो हमें इसमें डालना है वो इंग्रेडिएंट्स देख लीजिएगा, ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालने हैं। देखिए, 2 हरी मिर्च लिए हैं बारीक कट करके, 1 नींबू लिया है, थोड़े से मैंने कड़ी पत्ता लिए हैं और मूंगफली के दाने हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च बिल्कुल भी मत डालिएगा, और अच्छा कुछ चटपटा खाना है तो मिर्च 1 की बजाय 2 कर लीजिएगा, 3 कर लीजिएगा, वो अपने हिसाब से आप मिर्च डाल सकते हैं। देखा, पोहा हमारे अच्छे से फूल गए हैं और अच्छे से एक एक पोहा अलग अलग है। अब हम रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में देखिए, मैंने 2 चम्मच इसमें घी डाल दिया है फैन में, और घी हो गया है गरम। घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे ये मूंगफली के दाने। पहले इन्हें ड्राई रोस्ट करना है, अच्छे से दाने चटक जाएं और इनमें अच्छी सी खुशबू आए, जब तक हमें इन कलर चेंज होने तक इनके लिए हम भूलेंगे। और फ्रेंड्स, ऐसी गांव की देसी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अब हमारे दाने भुन गए हैं, चटक गए एक एक दाना, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए, सभी दाने मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं जिससे मैंने, और अब देखिए अच्छे से भुन गए। अब इसमें जो घी है वो इसी तरह से बच गया है। अब इसमें और ज़्यादा घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी घी में मैं 1/2 चम्मच डाल देती हूँ सरसों। आप राई भी डाल सकते हैं, पीली सरसों भी डाल सकते हैं, अगर नहीं हो तो जीरा भी डाल सकते हैं, और जो कटी हुई हरी मिर्च और जो कड़ी पत्ता है ना, आप साबित भी डाल दीजिएगा अगर आपके पास है तो। नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, अगर हो तो डालिएगा। कड़ी पत्ता को मैंने कट करके डाल दिया है, और थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें हल्दी, क्योंकि हल्दी से जब कलर आ जाता है ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है और हल्दी अच्छे से भुन गई। अब जो पोहा है वो हम इसमें डाल देते हैं और इन्हें चलाते हैं, पोहा को फ्राई करते हैं, हल्के हाथ से चलाते हो क्योंकि ये घुटे भी ना, क्योंकि फूलने के बाद बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इनके मतलब अगर जल्दी जल्दी चलाओगे तो ये घुट जाएंगे, बिखले खिले खिले नहीं बनेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, खाने में टेस्ट बदल जाएगा। इस तरह से हल्के हाथ से चलाते हुए इन्हें खोलते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसी तरह से देखिए, उलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई हो गए हैं हमारे जो पोहे हैं। और अब हम इसमें आधा जो नींबू है, इसमें से आधा नींबू डाल देंगे इसमें हम,
अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसमें पूरा नींबू भी डाल सकते हैं, जैसे अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। मैंने इसमें आधा नींबू डाला क्यों, और असल में अच्छा निकला है इसलिए मैंने आधा ही डाला है इसमें। और फिर से चलाते हैं, अच्छे से फ्राई करते हैं, जब बिल्कुल एक एक दाने पे नींबू का रस जो है वो चला जाए। इस तरह से अच्छे से 2 मिनट चलाइएगा, और जो धनिया पत्ती है वो डाल देते हैं। धनिया पत्ती डालने के बाद भी हम इसे थोड़ा सा चला देते हैं, और पोहा एकदम फ्राई, एकदम खिले खिले बनकर तैयार हो गए हैं। और जो मूंगफली के दाने हमने ड्राई रोस्ट किए हैं वो भी हम इसमें डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं खाने वाले, उन्हें पोहा पसंद है, तो आप मूंगफली के दाने मत डालिएगा इस टाइम पे, आप अलग साइड में जब सर्व करें तब डाल दीजिएगा मूंगफली के दाने। बात वही है, ज़रूरी नहीं है इसी टाइम पर आप इसमें मूंगफली के दाने डालें, सर्व करते समय इसमें मूंगफली के दाने और जो नमकीन वाली सेब वाली होती है नमकीन, वो डालिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बहुत अच्छे से हमारे पोहे देखिए खिले खिले एकदम बनकर तैयार हैं। बस 10 मिनट में हमारे पोहे बनकर तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं, और हल्का फुल्का नाश्ता बनकर तैयार है। आइए इसे सर्व कर लेते हैं। देखिएगा, अब मैं एक प्लेट में इसे निकाल लेती हूँ। एक एक दाना अलग है, देखिए कितना खिलखिला हमारा पोहा बनकर तैयार हुआ है। आप ऐसी गांव की देसी रेसिपी और बहुत इजी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके। देखिए, पोहा मैंने सर्व कर लिया है, और इसमें हरे धनिया की पत्ती से गार्निश कर देती हूँ, आधा नींबू है आपको अगर नींबू पसंद हो, और एक हरी मिर्च। पोहा हमारा तैयार है, आइए बनाइए खाइए। अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बनाइए खाइए फ्रेंड्स, राधे राधे।